हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीता स्विंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं शेयर करने वाली हूँ काउल या ड्रैप स्कर्ट की ड्राफ्टिंग। ये मैं आपको स्मॉल स्केल पर बता रही हूँ। इसके लिए मैंने पेपर को इस तरह से एक बार फोल्ड किया है। अब ये टू लेयर्स में है। ये इसकी फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। अब फोल्डेड साइड की तरफ हमारी वेस्ट से लेकर फ्लोर तक जो भी लेंथ है वो मार्क कर लेते हैं। फिर यहाँ से 1/4 हिप राउंड प्लस 1 इंच ले लें और इस तरह एक रेक्टेंगल शेप बना लें। अब इसे कट कर लेते हैं। फिर ऊपर से 7 इंच नीचे की तरफ हिप की मार्किंग करेंगे। अब ओपन साइड की तरफ से 1/4 वेस्ट राउंड मार्क करेंगे। कर्व शेप देते हुए इसे हिप लाइन से मिला देंगे और इस तरह कट कर लेंगे। अब फोल्डेड साइड का मिड पॉइंट मार्क करेंगे और मिड पॉइंट और हिप लाइन के बीच के हिस्से को 4 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। इसी तरह से वेस्ट को भी 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला लें। फिर इन लाइंस पर हम कट करेंगे और वेस्ट पर थोड़ा सा जुड़ा हुआ रखेंगे। फिर इसे ओपन कर बीच में से भी इसी तरह से कट करेंगे। अब मैंने ये दूसरा पेपर लिया है, इस पर इसे इस तरह से सेलो टेप से चिपकाकर सेट किया है। सबसे ऊपर वाले कटे हुए हिस्सों को सीधी लाइन में रखना है। सभी हिस्सों के बीच बराबर दूरी रखनी है। और आमने सामने के हिस्से एक दूसरे की सीध में लेने हैं। ये फ्रंट की वेस्ट का आधा हिस्सा है और ये बैक की वेस्ट का आधा हिस्सा है। अब हम इसे ट्रेस कर लेंगे और कट कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे फैब्रिक पर कैसे कट करना है। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और इसे इस तरह एक बार फोल्ड कर रही हूँ। फोल्डेड साइड की तरफ से हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। एक्चुअल साइज की स्कर्ट बनाते समय यह गैप लगभग 25 इंचेस तक लेंगे। फिर इस तरह से ड्राफ्ट को रखकर ट्रेस करेंगे। अब नीचे की तरफ और इस साइड 1 इंच का सीम अलाउंस लेंगे और बैक की वेस्ट पर यहां ऊपर की तरफ और फ्रंट की वेस्ट पर 1/2 इंच का सीम अलाउंस लेंगे। ये मैंने सीम अलाउंस मार्क कर लिया है। अब यहां से सीधी लाइन से मिला लें
और कट कर लें। बैक वेस्ट से लेकर फ्रंट वेस्ट के बीच की ये जो दूरी है, ये डेप्थ ऑफ काउल कहलाती है। इसे मिड पॉइंट से फोल्ड कर रोंग की तरफ यहाँ स्टिच लगानी है। इसी तरह दूसरी साइड भी स्टिच लगानी है। ये मैंने स्टिच कर लिया है। ये मैंने स्कर्ट के लिए बेल्ट कट किया है। बेल्ट की लेंथ टोटल वेस्ट राउंड प्लस 2 इंचेस लेनी है। 2 इंचेस एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि हमने बैक साइड में 1-1 इंच का सीम अलाउंस लिया है और बेल्ट की विड्थ 3 इंचेस ले रही हूँ। अब फ्रंट की वेस्ट के ये जो दोनों आधे आधे हिस्से हैं, इनके एंड पॉइंट्स को एक दूसरे के पास लाकर बीच के सारे फैब्रिक की प्लीट्स डाल लें। प्लीट्स आप किसी भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये मैंने प्लीट्स डालकर बेल्ट अटैच कर लिया है। अब रोंग की तरफ बेल्ट को इस तरह फोल्ड कर सिलाई लगा लें। इसके बाद बैक साइड में सेंटर बैक पर सिलाई लगाकर अटैच करें और ऊपर की तरफ यहाँ जिप लगेगी। ये मैंने स्टिच कर लिया है। ये साइड में काउल्स हैं और ये इसका सेंटर बैक है। अगर इस स्कर्ट को हाई लो लुक देना हो तो इसे इस तरह कट किया जा सकता है। और लास्ट में नीचे की एजेस को फिनिश कर लें। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।